नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब की चब्बेवाल विधानसभा सीट पर। यहां पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव की वजह यह है कि यहां से 2022 में डॉक्टर राजकुमार कांग्रेस की सीट से जीते थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और होशियारपुर से सांसद चुने गए, इसलिए ये सीट खाली हुई। और अब इसी सीट के ऊपर डॉक्टर राजकुमार के बेटे ईशांक कुमार जो है वो दावा ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ से सोहन सिंह डंठल को टिकट दी है। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो रंजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये देखेंगे तो आप पूरी तरह से चुनावी माहौल में बदल गया है, पूरा का पूरा चब्बेवाल इलाका जो है, जगह जगह पर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के झंडे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी माहौल एक बार फिर से बन गया है। 2.5 साल के करीब भगवंत मान की सरकार को हो गए हैं। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान की सरकार ने कैसा काम किया है, क्या यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब होती है, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। हालांकि इस बार जो है अकाली दल जो है वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, बीजेपी ज़रूर इस बार जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। चलिए तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है इस उपचुनाव में। मैं दोस्त आपका परमिंदर, मुझे ये बताइए अब तो चुनाव आ गया यहाँ पर, क्या लग रहा है यहाँ से? यहाँ से तो अपना आम आदमी का लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि इधर डॉक्टर राज है, उसके अभी बेटा है। हाँ जी, ईशांक जो है जी, ईशांक। दूसरा ये भी है कि सरकार आम आदमी पार्टी के इस वजह से या सरकार के कामों से खुश है या नहीं है? खुश है, सही चल रहा है, सही काम कर रही है भगवंत मान सरकार। जी जी सही है। ये जो गारंटियाँ इन्होंने दी थी, बिजली पानी और कई ऐसी सुविधाएं जो गारंटियों में इन्होंने शामिल की, बिजली का बिल जीरो वगैरह आ रहा है? जी जी आ रहा है, सही है। हाँ जी हाँ। यहाँ चब्बेवाल में फिर इस बार कौन जीत रहा है? यही लग रहा है यही जीतेंगे, यही मतलब आम आदमी। जी जी जी। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है जी? मोहन सिंह जी। अच्छा, मुझे ये बताइए अब तो चुनाव फिर माहौल बन गया यहाँ पर चुनाव का चब्बेवाल में, तो क्या लग रहा है फिर इस बार? इस बार लग रहा है राज का लड़का जीत जाएगा, राजकुमार का लड़का। हाँ जी, राजकुमार का लड़का जीतेगा। ये क्या वजह मानते हैं इसके पीछे, क्यों जीत रहा है? राजकुमार ने इधर काम अच्छे किए हैं, इसलिए वजह मानते हैं। जो काम अच्छा करता है उसके लिए करते हैं ना। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, सांसद बन गए, क्योंकि पहले तो यहाँ से कांग्रेस ही जीते थे राजकुमार। वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम है जी, उन्हें देखना ना। अभी ऐसे लोग तो ये देखते हैं इन्हें केड़ा काम करता केड़ा नहीं करता, वो देखते हैं जी। बाकी बाकियों का कुछ है, जैसे सोहन लाल है, रंजीत कुमार है, ये कांग्रेस से, इनका कुछ दिखाई देता है या फिर? उनका तो नहीं मैं जानता हूँ, ये तो साढ़े हम एरिए करके जानते हैं अभी, वो एमी मैं झूठ बोला नहीं है उन्हें जानते नहीं। यानी राजकुमार चाहे कांग्रेस में हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं, उस बंदे के पीछे हैं आप? हाँ, हूँ जनता भी उसके पीछे जाती है, वो काम करवाता है। हाँ। जो काम नहीं करवाएगा पार्टी जब बात सुनो। हाँ। जब ये नहीं देखते पार्टी बदल देते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। ऐसे लोग भी यही देखते हैं, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे जाना है। ये जो 2.5 साल हो गए भगवंत मान सरकार को, ये कैसा काम कर रही है? ये हूँ काम इदा रले मिले चलते है जी, काम चंगा भी करी जाते कि हूँ जकदम ये ने तो आए नहीं थोड़ा चेर होया हूँ, कई सरकार हूँ इन्ने इन्ने साल लाते आ इन्हें आए नहीं थोड़ा, हूँ लोग देखूंगे हजोर इन्हों जे नहीं खड़ा करूंगे अगले, इन्होंने जनता हूँ सब जानती है जी, वो हूँ अगे अगर बेवकूफ नहीं बनते। ये जो बिजली मुफ्त की गारंटी दी थी, इस पर काम हो रहा है? बिजली 24 घंटे, पानी की
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ मुझे एक बात बताइए चुनावी माहौल फिर से बन गया छब्बेवाल में बन गया क्या फिर इस माहौल में किसको जिता रहे हैं इस बार ये किस किदा जी सासी यार जिताना की है जी हूँ तो अभी तक हूँ कांग्रेस में फिर वोटा पावे कांग्रेस को वोटा पावे क्या कारण है इसके पीछे कारण तो की है आम पार्टी ने मार सुटिया देखो जिमीदारा का हाल की होया राज होना पहला कांग्रेस उदो अड़ाली मारी आम पार्टी च ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰੂਗਾ ਭਾਤੀ ਤਾਂ ਬਾਠੀ ਜਾ ਬੜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀਓ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜਾਗਣਾ ਪੜਤਾ ਥਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਥੀ ਅਬ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਰ ਦੀ दूसरा ये है कि मंडी में आपका जो है आपकी जो क्या बोलते हैं उसको जीरी जो है वो भी बिक रही है इसके अलावा जो है बिजली का बिल जीरो आ रहा है लोग तो ये भी देखो अगे भी 200 यूनिट माफ सी जो हम हो 100 बधाती है तो कोई कोई इदा दियां गल्लां नहीं हैगियां बिजली दियां गल्लां नहीं लोगों को सहूलत चाहिए काम वधिया होने चाहिए आ ये नहीं भी पंजाब दे अगे हुण इन्ना कर्जा सी बाद विच होर दुगना करके दस दिओ हाले 2 साल होए 2.5 साल पए आ हाले इहदे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀਓ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ हाँ हाँ जी क्या नाम है जी आपका बताओ बताओ आप भी बताओ शर्माते क्यों हो आ जा नमस्कार अंकल जी क्या नाम है जी आपका नरेश कुमार मुझे ये बताइए कि अब तो चुनावी माहौल बन गया यहाँ पे चब्बेवाल में एक बार फिर से क्या लग रहा है इस बार क्या उम्मीद है देखो क्या पता चलकन बाजी है वैसे वो राज का लड़का उसकी हवा अच्छी है उसकी हवा आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी ये जो आम आदमी पार्टी है भगवंत मान सरकार ठीक काम कर रही है हाँ ठीक करती है काम जैसे पहले अकाली दल फिर कांग्रेस की सरकार रही इनसे बेहतर है या वो सरकारें बेहतर थी ठीक है ये लोकल बंदा है जान पछाण वाली हैगी है इसका बड़ा फर्क पैंदा बाकी देखो किस्मत दा सितारा राजकुमार जो है पहले कांग्रेस में थे पहले कांग्रेस फिर बाद से आए कांग्रेस में काफ़ी चले फिर मैं वहाँ आम आदमी फिर MLA से इस्तीफा देकर MP बन गए उसके लड़का फिर यहीं से खड़ा हुआ है उसकी हवा अच्छी है हाँ ठीक है हाँ जी सत श्री अकाल बाबा जी बस जी ठीक ठाक खुश हो क्या नाम है जी आपका मैंने दस दो फिर थोड़ी जी गलता दस के जाओ चलो क्या हो गया क्या नाम है दोस्त आपका विकास मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गया है यहाँ पर उपचुनाव जी क्या लग रहा है इस बार फिर इस बार डॉक्टर ईशांत का ज़्यादा है MLA का वैसे रेडियोलॉजिस्ट है जो डॉक्टर राजकुमार उन्हीं के बेटे हैं डॉक्टर ईशांत क्या वजह है इसके पीछे वजह पार्टी भी हो सकती है वैसे डॉक्टर राजकुमार ज़्यादा वजह है इसकी हाँ जी कुछ काम वाम किए राजकुमार ने बहुत ज़्यादा इसके अलावा भगवंत मान सरकार कैसी लग रही है आपको 2.5 साल हो गए उसको भी हमें तो डॉक्टर राजकुमार का ही ज़्यादा है क्योंकि उसका ज़्यादा जोर है इस एरिए में भगवंत मान भी ठीक है अकॉर्डिंग टू काम ठीक कर रही है भगवंत मान सरकार हाँ जी पहले से बेहतर हुआ है कुछ पंजाब में नहीं बेहतर तो नहीं कंटिन्यू चल रहा है वैसे
हाँ जी ठीक चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। आप यहीं से हैं मैम? आप यहीं से हैं? नहीं। कहाँ से हैं? मैं बजरावर से। चब्बेवाल में ही पड़ता नहीं, है ना? नहीं, नहीं। साइड में पड़ता भाई। नहीं यहाँ पे चुनाव तो है, वहाँ पे भी है ना अभी? हाँ सर है, पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में। ये जो सरकार है भगवंत मान की, ये कैसी चल रही है अभी? अच्छी है सर। महिलाओं के लिए ठीक है? सही है। ये बिजली को लेकर इन्होंने कहा था कि मुफ्त बिजली मिलेगी, जीरो बिल आएगा, तो बिल वगैरह जीरो आ रहे? हाँ आ रहे सर। हाँ पूरे पंजाब में ही 0% बिजली का बिल आ रहा है, आप सबको ही पता है।